नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, इन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन मित्रों पूरे भारतवर्ष में एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, हम आनंद में झूम रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इस पर्व को न केवल भारतवर्ष में लेकिन विदेशों में भी मनाया जाता है। कई ऐसे देश हैं जहां इसे अलग रूप में मनाते हैं, लेकिन यही वास्तव में इसका रूप वहां भी रहता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ। भारतवर्ष सचमुच सबको उत्साह देने वाला एक देश है। हम कहते भी हैं यहाँ कि लाइफ इज़ अ फेस्टिवल, इन्जॉय इट, सेलिब्रेट इट। तो आइए इसी आनंद, इसी खुशी के साथ इसे जीवन का ध्येय बनाते हुए आज के सुवाक्य की ओर चलते हैं। उठो, जागो, बढ़ो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद। सफलता के शिखर तक पहुंचने का ये एक बहुत ही स्पष्ट और सटीक पथ है कि कल का इंतजार किए बिना उठो, जागो, बढ़ो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल मिल ना जाए। कई बार हम उठ भी जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं, पर थोड़ी कठिनाइयों के बाद रुक जाते हैं। पर नहीं, हमें बढ़ते ही रहना है। परमात्मा शिव की याद और शक्ति को यदि हम साथ लेकर बढ़ते चले तो निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। मित्रों, हम खुश रहें, आनंदित रहें, ये तो हर एक का जीवन का ध्येय होता ही होता है। लेकिन जब हम कार्य क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ जो कार्य का दबाव है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो हमारे मन की खुशी को छीन लेते हैं। और कई बार ये बाहर का प्रेशर हमारे मन के साथ साथ हमारे तन के भी प्रेशर को, अर्थात ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो कैसे हम अपने इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, आपकी सेहत आपके हाथ में। आज यही सुंदर बात लेकर हम उपस्थित हुए हैं, आइए सुनते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सभी अपना ब्लड प्रेशर जानना चाहते हैं। आज समाज में, किसी भी देश में, भारत या अमेरिका या यूके, लगभग जितने भी वयस्क होते हैं, एडल्ट्स होते हैं 20 साल के ऊपर, उनको हर तीसरे आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है। और ये साइलेंट किलर भी कहते हैं इसको। आपको कुछ भी सिम्टम इसके अधिकतर नहीं होते हैं, आपको कोई सिरदर्द या कोई भारीपन शरीर में नहीं होता है, किंतु जब आप ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो आपको पता लगता है ब्लड प्रेशर आपका हाई है। इसलिए आप अपना जरूर, अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो जरूर ब्लड प्रेशर चेक कराएं। कभी कभी एटलीस्ट एक साल में एक बार जरूर 8 बजे के बाद ब्लड प्रेशर चेक कराएं। अगर आपका 130/85 से कम है तो आपको घबराने की बात नहीं है। वैसे 130/80 भी ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अगर डायबिटीज़ है तो हर हालत में 130/80 से नीचे ही चाहिए। और ये ब्लड प्रेशर जो हमारा जो बढ़ता है, वो हमारा बनता है, वो जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पैदा होता है। और जब हमारा जो बॉडी में सप्लाई होता है तो जो आर्टरीज होती हैं उनके द्वारा जो प्रेशर, बैक प्रेशर पड़ता है, उससे नीचे वाला ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर आप तली चीज़ें खाते हैं, पराठा पकौड़ा समोसा खाते हैं और नमक ज़्यादा खाते हैं तो हमारी आर्टरी स्टिफ हो जाते हैं, जिससे नीचे वाला ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप टेंशन में रहते हो तो आपका हार्ट तेज़ी से धड़कता है, आप जल्दी चिंता गुस्सा करते हो तो आपका सिस्टोलिक ब्लड, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नीचे वाला ब्लड प्रेशर को ठीक रखने, उसको एक गैप देने के लिए भी हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो दोस्तों याद रखें, 90% ब्लड प्रेशर हमारा इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, वो अधिकतर सॉल्ट सेंसिटिव होता है। नमक नॉर्मली भारत में हम 10 से 15 ग्राम नमक हर आदमी खाता है, और होना चाहिए एक्चुअली आइडली स्पीकिंग हमारा 5 से 7.5 ग्राम नमक डेली पर होना चाहिए। इसके लिए आप सिर्फ सिंपल इतना ही करना है, आटे में नमक डालना बंद कर दें, टेबल सॉल्ट अर्थात जो आप फ्रूट्स पर या सलाद पर डाल के खाते हैं खाना बंद कर दें, और सब्जी में सिर्फ नमक डालें तो आपका नमक लगभग आधा हो जाता है। और आप देखेंगे
आपको अगर ब्लड प्रेशर माता पिता को है तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और साथ साथ डेली एक घंटा सुबह वॉक कर लें, सो आफ्टर सनराइज बिफोर ब्रेकफास्ट और सनसेट के पहले आधा घंटा अगर स्टोर कर ले तो बहुत अच्छा होगा। समय पर सो जाएं, समय पर उठ जाएं, 10 बजे सो जाएं, सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करें और ज़्यादा फाइबर लें, कम जो मैदा की चीज़ें खाते हैं जंक फूड का उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ज़्यादा फाइबर लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अर्थात ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल सलाद और ताज़ा फल अगर सेवन करेंगे तो आपका पेट भी ठीक रहेगा और आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। ओम शांति। तो मित्रों, तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, स्वस्थ रहें, कैसी भी परिस्थिति हो हमारा ब्लड प्रेशर ना बढ़े। मन यदि प्रेशर में नहीं आएगा तो ब्लड प्रेशर भी कतई नहीं बढ़ेगा। तो मन को शांत रखते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं भारत दर्शन की ओर, स्पिरिचुअल इंडिया की ओर। एक जगह बैठे बैठे हमारी कई बार कामना होती है कि पूरे देश का भ्रमण करें। अपने शरीर के साथ हम यात्रा भले ना कर पाएं क्योंकि हमारी अपनी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन ये दायित्व अब हमने ले लिया है कि आपको घर बैठे भारत के अलग अलग स्थानों के दर्शन कराएंगे। आइए आज आपको लिए चलते हैं एक ऐसे खंड में जहां झाड़ियों की बहुतायत है, जो प्रकृति की सुंदरता के लिए भी जाना जाता है और साथ साथ जहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य में, जहाँ के लोक जीवन में भारत की आत्मा बसती है। जी हाँ, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। आइए चलते हैं झारखंड की ओर। झारखंड जंगलों की भूमि कहलाने वाला एक खूबसूरत राज्य है झारखंड, जिसके नाम में ही छिपी है उसकी पहचान, झाड़ यानी वन। यह राज्य वनस्पतियों और जीव जंतुओं से समृद्ध है। यहाँ की राजधानी है रांची, जिसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। इस राज्य में कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वहीं झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है पारसनाथ मंदिर, इसे जैनियों का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। यह मंदिर परमपिता परमात्मा शिव बाबा के प्राचीन यादगारों में से एक है। वहीं झारखंड के हरियर धाम मंदिर का शिवलिंग दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंगों में से एक गिना जाता है। वहीं झारखंड को त्योहारों का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ के मुख्य त्योहार हैं रोहिणी, जो प्रतीक है नई फसल का, छठ पूजा, इसे यहाँ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ के अन्य त्योहार हैं जानी शिकार, जो नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है, सरहुल, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। वहीं नए सत्युग की दुनिया के निर्माण का कार्य ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा झारखंड में तीव्र गति से चल रहा है। तो ये थे दोस्तों झारखंड से जुड़े कुछ अनूठे पहलू। मित्रों, कहते हैं दूसरों को इज्जत वही देता है जो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है। जीवन में दौलत कमाना आसान हो सकता है, लेकिन इज्जत कमाना बहुत कठिन, और कमाई हुई इज्जत को बनाए रखना उससे भी ज़्यादा कठिन, क्योंकि कहा जाता है कि इज्जत एक बार गई तो दोबारा लौट कर नहीं आती। ऐसा ही कुछ सुंदर सा संदेश हमारे लिए लेकर आ रहे हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर सादर नमस्कार। एक गांव में तीन बहनें रहती थी, दौलत, शोहरत और इज्जत। एक बार तीनों बिछुड़ने लगी तो दौलत से पूछा गया कि तू कहां मिलेगी। दौलत ने कहा कि मैं बड़े बड़े सेठियों के घर मिलूंगी, पूंजीपतियों के घर मिलूंगी। शोहरत से पूछा गया कि अब तू कहां मिलेगी, तो शोहरत ने कहा कि मैं बड़े बड़े कलाकारों के यहां मिलूंगी, खिलाड़ियों के यहां मिलूंगी। इज्जत से पूछा गया कि बिछुड़ रही है तू अब कहां मिलेगी, इज्जत ने कहा कि मैं एक बार चली जाती हूं तो फिर वापस नहीं मिलती। नमस्कार। मित्रों, किसी को गिफ्ट के रूप में कोई चीज देना ये कोई बड़ी बात नहीं। यदि गिफ्ट देनी है तो क्यों ना
प्यार की, परवाह की, इज्जत की गिफ्ट दी जाए। वैसे भी आज हम पोंगल, मकर संक्रांति ये पर्व मना रहे हैं और पर्व में हमेशा हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, मुख भी मीठा कराते हैं, कोई गिफ्ट भी देते हैं। इस त्यौहार में आज हम ये सुंदर गिफ्ट देने का संकल्प ज़रूर लें, क्योंकि ये गिफ्ट जितनी दी जाएगी उतनी वापस होकर हमारे पास ही आएगी। तो मकर संक्रांति का ये सुंदर पर्व पूरे देश में किस रूप में मनाया जा रहा है, आइए उसकी एक सुंदर झलक देखते हैं, आनंदित होते हैं। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति में एक शुभ चरण की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन सूर्य अपनी दक्षिण की यात्रा समाप्त करके उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, जिसे उत्तरायण भी कहते हैं। दक्षिण की यात्रा को देवता की रात और उत्तर की यात्रा को देवता का दिन माना जाता है। इस प्रकार मकर संक्रांति एक अशुभ चरण की समाप्ति और एक शुभ चरण की शुरुआत का प्रतीक है। रात को पाप और असत्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि दिन को सत्य, पुण्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति का अर्थ है कि हमें उस भ्रम के अंधेरे से दूर हो जाना चाहिए जिसमें हम रहते हैं, और खुशी से अपने भीतर के प्रकाश को उज्ज्वल करना शुरू कर देना चाहिए। हमें पवित्रता और ज्ञान में विकसित होना चाहिए, जैसे सूर्य इस दिन से करता है। सूर्य सभी आदर्शों के लिए खड़ा है। इसका संदेश प्रकाश, एकता और समानता का है। ये एक कर्मयोगी के आदर्श हैं, इसलिए सूर्य सबसे बड़ा कर्मयोगी है। यह हमें जो भी देता है उसके लिए कोई पुरस्कार नहीं मांगता। अगर ये रोशनी देना बंद कर दे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यदि हम सूर्य से यह पाठ सीख लें तो हमारा जीवन दिव्य तेज से चमक उठेगा। मकर संक्रांति पर सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का वातावरण चैतन्य और दिव्यता से भरा रहता है। इस प्रकार साधना करने वाला साधक बड़े हुए चैतन्य का अधिकतम लाभ उठा सकता है। यह वास्तव में कलयुग के सतयुग में बदलने का प्रतीक है, जो प्रत्येक कल्प के अंत में होता है, जहां हमें आध्यात्मिक रूप से जागृत होने की आवश्यकता होती है। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मित्रों, कितने आनंद का माहौल है ना इस पर्व में। इस आनंद को सचमुच हम सतत कायम रखें, स्वयं आनंदित रहें और दूसरों को आनंद प्रदान करें। एक सुंदर सी बात कही जाती है, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वोत्तम है। आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, कुछ ना कुछ दान किया जाता है। लोग वस्त्र का, अन्न का दान करते हैं। क्यों ना आज हम अपने अभिमान या अन्य कमजोरियों को त्यागने का संकल्प लें। ये जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आज इनमें से किस चीज़ का हम दान करें। सचमुच ये दान हमें सर्वोत्तम स्थिति की ओर ले चलेगा, हमारे जीवन को खुशहाल बनाएगा। तो एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति, पोंगल तथा इसे अन्य रूपों में जो मनाया जाता है, उन अन्य रूपों के रूप में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। नमस्कार।